गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन देखेंगे लांगराज प्रमेय और उस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स। इससे पिछले लेक्चर में अपन ने रोले प्रमेय देखी थी और उसके उस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो लांगराज प्रमेय और रोले प्रमेय में सेम रिलेशन है, थोड़ा बहुत ही अलग है। लांगराज जहाँ पर अपन ने रोले प्रमेय में तीन प्रतिबंध संतुष्ट करवाए थे, वही उसी प्रकार लांगराज प्रमेय में केवल दो ही प्रतिबंध संतुष्ट कराने, उसमें संतत अवकलनीय और एफ इक्वल टू एफ बी अपन ने सेटिस्फाई करवाया था। लेकिन इसमें फर्स्ट दो ही प्रतिबंध अपने को सेटिस्फाई करवाने हैं, यानी संतत देखना है फलन को और अवकलनीय देखना है। संतत वही क्लोज इंटरवल यानी समर्थ अंतराल में देखेंगे और अवकलनीय विवर्त अंतराल में देखेंगे। तो देखते हैं लांगराज प्रमेय कैसी होती है, पहले समझ लेते हैं। तो लांगराज प्रमेय में क्या होगा, एफ कोई फंक्शन होगा, एफ को क्या होगा, कोई फंक्शन होगा जो समर्थ अंतराल ए कोमा बी में, समर्थ अंतराल ए कोमा बी में निम्न प्रतिबंधों को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। निम्न प्रतिबंध क्या, फर्स्ट प्रतिबंध अपन करेंगे एफ को किसमें, समर्थ अंतराल ए कोमा बी में, समर्थ अंतराल ए कोमा बी में सतत दिखाएंगे कि ये समर्थ अंतराल ए कोमा बी में सतत है। सतत दिखाने के लिए क्या करना है, कोई दाई सीमा इक्वल टू बाई सीमा इक्वल टू फलन का मान अगर तीनों बराबर आ जाए तो अपन कह देंगे कि फलन कैसा है, संतत है। और फलन को संतत होने के लिए इनफाइनाइट की टर्म नहीं बननी चाहिए, वन अपॉन जीरो की टर्म नहीं बननी चाहिए। ऐसी टर्म अगर बनती है तो अपन कहेंगे कि फलन संतत नहीं है, तो फलन को संतत दिखाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, संतत दिखाने के बाद में अपन फलन को क्या दिखाएंगे, अवकलनीय दिखाएंगे। लेकिन अवकलनीय किसमें दिखाएंगे, ओपन इंटरवल विवर्त अंतराल में, विवर्त अंतराल में अपने को फलन को अवकलनीय दिखाना है। और ये दो ही प्रतिबंध संतुष्ट होने पर अपन क्या कह देंगे कि लांगराज फलन जो देर का है वो लांगराज प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अगर लांगराज प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो विवर्त अंतराल ए कोमा बी में कोई सी इस प्रकार विद्यमान है, कोई संख्या सी इस प्रकार विद्यमान होगी कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इससे अपन सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो सी कहाँ आएगा, अपना समर्थ विवर्त अंतराल ए कोमा बी में आएगा। तो क्या करना है, सतत देखना है, अवकलनीय देखना है। सतत और अवकलनीय दोनों होंगे तो अपन क्या कह देंगे कि अपने जो फलन है वो लांगराज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। और लांगराज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो कोई संख्या सी इस प्रकार विद्यमान होगी विवर्त अंतराल ए कोमा बी में, जिसको एफ डैश सी इक्वल टू क्या देगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और विवर्त और समर्थ अंतराल के बताई दिए थे क्या होता है, विवर्त और समर्थ अंतराल का मतलब यह होता है कि विवर्त समर्थ अंतराल है इसका मतलब जिस संख्या से स्टार्ट हो रहा है और जिस संख्या पर एंड हो रहा है वो संख्या भी शामिल होगी। जैसे समर्थ अंतराल दे दे तीन कोमा छह, तो समर्थ अंतराल तीन कोमा छह का मतलब क्या हुआ, इसमें तीन भी आएगा, तीन पॉइंट एक जैसे चलते चलते कहां तक जाएगी, छह भी शामिल है। लेकिन अपने को यह दे दे विवर्त अंतराल तीन कोमा छह, तो इसमें न तो तीन शामिल होगा और न ही छह शामिल होगा, तीन पॉइंट एक से चलेगी और आगे चलती जाएगी, तीन पॉइंट जीरो जीरो एक ऐसे भी हो सकता है, लेकिन तीन और छह शामिल नहीं होगा, इनके बीच की सभी संख्याएं शामिल होगी। तो यह होता है समर्थ और विवर्त अंतराल। तो देखते हैं मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट, लिखते हैं प्रमेय, यदि एफ, स्टेटमेंट क्या है, यदि एफ समर्थ अंतराल, समर्थ अंतराल ए कोमा बी में, समर्थ अंतराल ए कोमा बी में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि, किस प्रकार परिभाषित है, उन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, यानी एफ समर्थ अंतराल, एफ समर्थ अंतराल ए कोमा बी में संतत होना चाहिए। संतत देखेंगे तो अंतराल देखेंगे समर्थ, और अवकलनीय देखेंगे तो अंतराल देखेंगे विवर्त। दूसरी कंडीशन अपनी है कि एफ विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय होना चाहिए। संतत हो गया और अवकलनीय हो गया तो क्या कहेंगे
कि अपना जो फलन देर का है वो लांगराज मध्यमान परमेय का प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तब तब सी बिलोंग्स टू, सी कहां पर बिलोंग करना चाहिए, विवर्त अंतराल ए कोमा बी में, तो तब सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी के लिए, सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी के लिए किस प्रकार से होगा, सी एफ बेस सी इक्वल्स टू बनना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे और कौन सा c लेंगे, वो c लेंगे जो अपने विवर्त अंतराल a कोमा b में बिलोंग करता हो, यानी इन्हीं में से कोई हो। तो लांगराज मध्यमान प्रमेय तीन रोले प्रमेय की तरह हो गई, रोले प्रमेय में तीन प्रतिबंध संतुष्ट किए थे और यहाँ पर अपन दो प्रतिबंध संतुष्ट करेंगे, दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो जाएंगे तो लांगराज मध्यमान प्रमेय में c का मान निकालेंगे, और अगर कोई एक भी प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हुआ तो अपन कहेंगे कि लांगराज पर जो दिया गया फलन है वो लांगराज प्रमेय प्रतिबंधों को लागू नहीं करता है। तो देखते हैं इस पर आधारित एग्जांपल्स, 25 एग्जांपल देखते हैं क्या देता है, निम्नलिखित फलनों के लिए लांगराज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच कीजिए, यानी अपने को देखना है कि इसमें लांगराज मध्यमान प्रमेय फॉलो होगा या नहीं होगा। तो लांगराज मध्यमान प्रमेय के लिए क्या लगाते हैं, एफ ओ पक्ष बराबर मोडस अपने को फलन दे रखा है, इसके लिए क्या करना है, जांच करनी है अपने को कि वैधता होगी या नहीं होगी, यानी दोनों प्रतिबंध संतुष्ट करेगा तो अपन लांगराज मध्यमान प्रमेय को प्रतिबंध संतुष्ट करता है बोलकर एफ ऑफ सी एफ डैश सी से सी की वैल्यू निकालेंगे, और अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो अपन बोल देंगे कि लांगराज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है। तो देखते हैं क्या होता है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं, फर्स्ट अपने को क्या फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन दे रखा है, अपन मोड ऑफ एक्स का फलन जानते हैं, किस प्रकार बनता है मोड ऑफ एक्स का ग्राफ, ऐसा बनता है मोड ऑफ एक्स का ग्राफ, तो माइनस वन से प्लस वन के बीच में देखना है अपने को, माइनस वन से प्लस वन के बीच में क्या है, संतत और अवकल्यता चेक करनी है, संतत और अवकल्यता चेक करने का मतलब क्या हुआ, संतत तो होता है लगातार कंटिन्यू, यानी ग्राफ कहीं पर टूटना नहीं चाहिए, तो माइनस वन से लेकर प्लस वन तक संवर्त अंतराल लेना है, यानी माइनस वन भी शामिल है और प्लस वन भी शामिल है, यहाँ तक ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूट रहा तो अपन क्या बोलेंगे, जो फलन देर का है वो कैसा है ना, संतत फलन है। संतत चेक करने के बाद में क्या चेक करते हैं, अवकल्यता, अवकल्यता चेक करने के लिए ग्राफ के माध्यम से कैसे देखते हैं, अगर ग्राफ कहीं पर कोना बनाता है तो उस बिंदु पर जहां पर वो कोना बनाएगा उस बिंदु पर अपना फलन अवकलनीय नहीं होगा, ध्यान रखना है कहां पर अवकलनीय नहीं होगा, जहां पर ग्राफ कोना बनाता है उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो ये कोना कहां पर बना रहा है, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स इक्वल टू जीरो पर, और एक्स इक्वल टू जीरो माइनस वन से वन के बीच में है, विवर्त अंतराल माइनस वन से वन इसके बीच में क्या आ रहा है, कहीं पर जीरो आ रहा है, और उस जीरो पर अपना फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो एक भी बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब अपना फलन मोड ऑफ एफ एक्स है वो अवकलनीय नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स संतत हो गया लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे कि लांगराज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, और संतुष्ट नहीं करता है तो अपने को सी की वैल्यू तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वैधता की जांच अपनी कंप्लीट होगी। क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन के लिए अपन लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, कौन से अंतराल में चेक करते हैं अपन, संवर्त अंतराल में संतता चेक करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन संवर्त अंतराल के लिए संतत है, के लिए संतत है, संतत बता दिया कैसे, ग्राफ के माध्यम से समझा दिया, बी बी में क्या चेक करेंगे कि अवकलनीय है या नहीं है, तो अवकलनीय चेक करने के लिए बता दिया कि कोना बन रहा है और जिस बिंदु पर कोना बनता है उस बिंदु पर ग्राफ अवकलनीय नहीं होता है तो अपना फलन अवकलनीय नहीं होगा, तो लिखेंगे कि मोड ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, किसके लिए चेक करते हैं अवकलनीय, विवर्त अंतराल के लिए, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू वन, इसमें कहीं पर क्या आएगा, जीरो भी आएगा, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन के लिए अवकलनीय नहीं है, के लिए अवकलनीय नहीं है, इसके लिए अवकलनीय नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे कि जो फलन देर का है वो लांगराज मध्यमान प्रमेय को
लागू नहीं करता है। लांगराज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, तो लिखेंगे तब फलन f of x equal to mod of x, x belongs to किसके लिए चेक कर रहे हैं, सवर्त अंतराल के लिए, -1 to 1 के लिए लांगराज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है। लांगराज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करता है इसका मतलब क्या हुआ, लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी, तो संतुष्ट नहीं करेगा यानी लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, f of x equal to 1 upon x, और x कहां से करना है, x belongs to -1 to 1 में अपने को चेक आउट करके बताना है कि ये लांगराज मध्यमान प्रमेय के लिए प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले संतुष्ट कराने के लिए अपन संतत्ता चेक करते हैं, और संतत्ता में मैंने बताया था कि क्या नहीं बनना चाहिए, 1/0 या इनफाइनाइट की टर्म्स नहीं बननी चाहिए, और इसमें अंतराल अपने को दे रखा है -1 से +1, और -1 से +1 में कहीं पर 0 भी आएगा, यानी x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/0 आ जाएगी, और 1/0 बन गया, इसका मतलब अपना फलन क्या नहीं है, संतत नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पर फलन संतत नहीं होगा, तो अपन बोल देंगे फलन संतत ही नहीं है, तो फलनीयता तक पहुंचने की जरूरत ही अपने को नहीं पड़ेगी। तो a में अपन क्या लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 क्या हो गया, f ऑफ 0 इक्वल टू 1/0 हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख के दिखा रही हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, x इक्वल टू 0 के लिए संतत नहीं है, x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, इसका मतलब फलन संतत है ही नहीं, कहीं पर भी टूटा टूट गया, तो अपन लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू 1/x, x बिलोंग्स टू अपना समर्थ अंतराल -1 to 1 के लिए क्या नहीं है, संतत नहीं है, 1 to 1 के लिए संतत नहीं है, इसका मतलब फलन जो दे रखा है वो लांगराज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, यानी अपने फलन पर लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। लिखेंगे अतः है f of x equal to 1/x, x कहां से कहां, विवर्त अंतराल समवर्त अंतराल में, x belongs to -1 to 1 पर लांगराज मध्यमान प्रमेय, लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी, लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। तो क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म हो गया, वैधता की जांच हो गई कि लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। अगर लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू होती तो f dash equal to f of b minus f of a अपॉन बी माइनस ए करके अपन क्या निकालते, सी की वैल्यू निकालते, और सी को किस में लेते, विवर्त अंतराल -1, 1 में लेते, लेकिन क्वेश्चन में प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हुआ, प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हुए, इसका मतलब अपन इस पर लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल का पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट का देता है f of x equal to x minus 1 upon x, x belongs to 1 upon x belongs to 1 to 3 के लिए अपने को चेक करना है कि वैध होगा या नहीं होगा, यानी प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, संतुष्ट करेगा तो c की वैल्यू फाउंड कर लिए। सॉल्यूशन करेंगे थर्ड का, थर्ड फंक्शन दे रखा है अपने को f of x equal to x minus 1 upon x, x belongs to 1, 3 ये दे रखा है। तो फर्स्ट क्या चेक करना है अपने को कि समवर्त अंतराल 1, 3 में संतत होगा या नहीं होगा। तो समवर्त अंतराल 1/3 फंक्शन कैसा है, x स्क्वायर माइनस 1/x है, यानी जो फलन दे रखा है अपने को वो फलन समवर्त अंतराल 1, 3 में संतत होगा। तो लिखेंगे f of x इक्वल टू x माइनस 1/x, x बिलोंग्स टू 1, 3 में, x belongs to 1, 3 में संतत है। समवर्त अंतराल में चेक करते हैं, सेकंड क्या करना है अपने को, चेक अवकलनीय है या नहीं,
तो फंक्शन क्या देता है, f of x equal to x minus 1, और अवकलनीय से करने के लिए अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो f dash x equal to हो जाएगा 1 minus x का डिफरेंशिएशन 1, और 1 upon x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 upon x का मतलब x की पावर माइनस वन, और x की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन अपन x की पावर n से करेंगे तो n की वैल्यू होगी माइनस वन, तो x की पावर n का होता है n इंटू x की पावर n माइनस वन, n की वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन, तो माइनस वन इंटू x की पावर माइनस वन माइनस वन यानी माइनस x की पावर माइनस टू, और अंश में माइनस टू होगा वो हर में आकर क्या हो जाएगा प्लस का टू यानी माइनस वन अपॉन x स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन एक्स का क्या हो गया, वन अपॉन एक्स का हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें अपने को चेक करना है विवर्त अंतराल के लिए, तो विवर्त अंतराल एक्स बिलोंग्स टू 1,3 के लिए चेक करना है, तो 1,3 से कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, परिमित भी आएगी और विद्यमान भी होगी, परिमित भी आएगी और विद्यमान भी होगी, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपना जो फलन देर का है वो अवकलनीय है, तो लिखेंगे x belongs to 1,3 के लिए f dash x परिमित तथा विद्यमान है, परिमित है और विद्यमान है, इसका मतलब x belongs to 1,3 के लिए फलन f of x अवकलनीय है, तब अतः है x belongs to 1,3 के लिए फलन f of x अवकलनीय है, फलन f of x अवकलनीय है यानी जो फलन देर का है वो लाग्रांज विद्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो फलता है f of x x belongs to 1,3 के लिए लाग्रांज विद्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, लाग्रांज विद्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, लाग्रांज मध्यमान प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तब c 1,3 विवर्त अंतराल 1,3 में c इस प्रकार विद्यमान होगा कि f dash c equal to f of 3, b का काम करेगा 3 और a का काम करेगा 1, f of 3 minus f of 1 upon b minus a यानी 3 minus 1, तो तब c belongs to 1,3 अंतराल कौन सा लेना है, ओपन इंटरवल यानी विवर्त अंतराल में c इस प्रकार होगा, c इस प्रकार विद्यमान होगा, c इस प्रकार विद्यमान होगा कि f dash c इक्वल बन जाएगा f of 3, b का काम करेगा 3, तो f of 3 minus f of 1 upon 3 minus 1, तो f dash c f dash x पर ने निकाला था, यहाँ पर x किस गए c पुट करेंगे तो बन जाएगा 1 plus 1 upon c square equal to f of 3, f of 3 यानी फंक्शन में क्या पुट करना है, अपने को 3 पुट करना है और 1 पुट करना है, तो फंक्शन में 3 पुट करेंगे तो बनेगा x किस गया 3 पुट करने पर 3 minus 1 upon 3 minus 1 पुट करेंगे और साथ में किससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे माइनस से, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब सबके चिन्ह चेंज होते चलेंगे, तो प्लस 1 आएगा वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस 1, और माइनस 1 अपॉन 1 यानी प्लस 1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर अपॉन 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 3 एलसीएम आएगा तो क्या आएगा 9 माइनस 1, और 9 माइनस 1 क्या होता है 8, तो 8 अपॉन 3 इंटू 2, 2 का डिवाइड करेंगे तो 4,
वन अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 प्लस का 1 दूसरे पक्ष में जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, एलसीएम ले लेंगे 3 तो 4 माइनस 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर है 1 है 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 यानी 1 अपॉन 3, 1 अपॉन सी स्क्वायर 1 अपॉन 3 है तो सी स्क्वायर क्या बनेगा, सी स्क्वायर बन जाएगा 3, यही होगा सी स्क्वायर हर में है और 3 भी हर में है तो सी स्क्वायर अंश में जाएगा तो 3 भी अंश में चला जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी सी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3, यानी रूट 3 प्लस का वर्ग करेंगे तो भी 3 आएगा और माइनस के 3 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा 3 ही आएगा रूट में, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आ गया, सी की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का रूट 3 और दूसरा माइनस का रूट 3। अब अपने को सी कैसा चाहिए, अपने को वो सी चाहिए जो विवर्त अंतराल 1.3 में बिलोंग है, 1.3 में कौन सा बिलोंग करेगा, माइनस वाला कभी 1.3 में आएगा क्या, तो माइनस वाला 1.3 में नहीं आ सकता, तो वैल्यू कौन सी आएगी सिर्फ अपने काम की, सी इक्वल टू प्लस रूट 3, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर सी इक्वल टू रूट 3 बिलोंग्स टू माइनस रूट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 1.3, यानी माइनस रूट 3 1.3 में बिलोंग नहीं करता है, तो नहीं करता तो सी की वैल्यू माइनस 3 अपन नहीं लेंगे, तो सी की वैल्यू क्या लेंगे तथा सी इक्वल टू रूट 3 बिलोंग्स टू 1.3, रूट 3 सी में बिलोंग 1.3 के विवर्त अंतराल में बिलोंग करेगा तो अपन वैल्यू कौन सी लेंगे रूट 3 वाली लेंगे, यानी एफ डैश सी में सी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा अपने को रूट 3, तो अपने बनेगा एफ डैश रूट 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। समझ में आ गया कि विवर्त अंतराल में दिखाने का मतलब क्या होता है, अगर अपन यहाँ पर यह प्रतिबंध नहीं होता कि सी इस प्रकार विवर्त अंतराल में विद्यमान होना चाहिए तब सी की वैल्यू क्या लेते प्लस रूट 3 भी लेते और माइनस रूट 3 भी लेते हैं, लेकिन प्रतिबंध क्या दे रखा है कि इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करें तब सी इस प्रकार होना चाहिए कि वो विवर्त अंतराल में आए, और विवर्त अंतराल कहां से कहां है अपने क्वेश्चन का 1.3 यानी 1 से 3 तक विवर्त अंतराल है, तो 1 से 3 में प्लस का रूट 3 आ रहा है तो अपन प्लस का रूट 3 लेंगे, अगर विवर्त अंतराल नहीं दे रखा होता तो प्लस का रूट 3 भी आता और माइनस का रूट 3 भी होता उसी में। समझ गए अच्छी तरह से, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपने को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए करना है अपने को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखता है एक्स माइनस टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई में चेक करना है, संतत चेक करना है और अवकलनीय चेक करना है, तो संतत चेक करेंगे सबसे पहले तो ए में चेक करेंगे संतत, फंक्शन दे रखा है मेरे को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू साइन एक्स, संतत किस प्रकार चेक कर लेंगे बाई सीमा बराबर दाई सीमा बराबर फलन का मान, अगर तीनों बराबर है तो बोल देंगे कि इतना फलन कैसा है संतत फलन है, तो ये फलन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई कोमा पाई के लिए संतत रहेगा, माइनस पाई कोमा पाई के लिए संतत फलन है तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई कोमा पाई के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स संतत है, एफ ऑफ एक्स संतत है तो चेक करेंगे अपन कि एफ ऑफ एक्स अवकलनीय भी होगा या नहीं होगा, तो एफ ऑफ एक्स को अवकलनीय चेक करने के लिए क्या निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू बन जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष 1 माइनस 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा और साइन का हो जाएगा कोस एक्स, अवकलनीय से करते हैं विवर्त अंतराल के लिए, तो विवर्त अंतराल माइनस पाई टू प्लस पाई के लिए अवकलनीय होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई कोमा प्लस पाई के लिए फलन अवकलनीय होगा, फलन के लिए फलन की वैल्यू जो आएगी एफ डैश एक्स की वो परिमित और विद्यमान आएगी, परिमित और विद्यमान आएगी तो अपना फलन अवकलनीय होगा, पाई पुट करेंगे माइनस पाई पुट करेंगे तो कोस की वैल्यू तो माइनस वन या प्लस वन होगी और उसमें पाई या माइनस पाई में ऐड करेंगे तो क्या आएगा कोई परिमित ही आएगा, तो लिखेंगे के लिए एफ डैश एक्स परिमित तथा विद्यमान होगा, परिमित तथा विद्यमान होगा, परिमित और विद्यमान होगा इसका मतलब अपना फलन
अवकलनीय होगा। तो x belongs to minus pi comma pi के लिए, x belongs to minus pi comma pi के लिए फंक्शन f of x अवकलनीय है, फंक्शन f of x अवकलनीय है तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अतः f of x, x belongs to, समवर्त अंतराल के लिए चेक कर रहे हैं तो x belongs to समवर्त अंतराल minus pi comma pi के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो सी इस प्रकार बिलोंग करेगा कि एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वन बी माइनस ए, तो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब लिखेंगे अपन, तब सी बिलोंग्स टू, सी किसमें बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवेल में, तो ओपन इंटरवेल माइनस पाई कोमा पाई के लिए एफ डैश सी इस प्रकार विद्यमान होगा, एफ डैश सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू बन जाएगा एफ ऑफ बी, बी का काम करेगा प्लस पाई, तो एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ माइनस पाई बटा पाई माइनस ए का काम कौन कर रहा है, माइनस पाई, पाई माइनस माइनस पाई। तो एफ डैश सी, एफ डैश एक्स अपन ने निकाला था, इसमें एक्स की जगह पुट करना है अपने को सी, तो एफ डैश सी बन जाएगा वन माइनस टू कोस सी इक्वल टू एफ ओ पाई, फलन में क्या पुट करना है, पाई और माइनस पाई, तो पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस टू साइन पाई, साइन का पाई पर वैल्यू जीरो, तो टू जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो, तो माइनस का माइनस आ गया और अब क्या पुट कर रहे हैं पहले माइनस पाई, तो माइनस एक्स की जगह माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस पाई, और वही माइनस पाई पर भी साइन क्या देता है, माइनस तो बाहर फेंक देता है और क्या बच गया साइन पाई, और साइन पाई भी जीरो, तो पाई माइनस माइनस पाई अपॉन पाई माइनस माइनस पाई, सेम टर्म कैसे आउट हो जाएगी, और अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो अपन सोल्व कर लेते हैं, टू कोस पाई इक्वल टू पाई माइनस पाई, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का पाई अपॉन क्या आएगा पाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, प्लस पाई, पाई प्लस पाई क्या हो गया टू पाई अपॉन टू पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, टू पाई से टू पाई क्या बचा उधर वन, तो वन माइनस टू कोस सी इक्वल टू वन, वन से वन कट जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस का वन दूसरे बॉक्स में जाकर माइनस वन, प्लस वन माइनस वन जीरो, तो माइनस टू कोस सी, माइनस टू भी जीरो में चला जाएगा, क्या होगा कोस सी इक्वल टू जीरो, कोस सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए, और सी को कहां से कहां लेना है अपने को, ऐसा सी देखना है जो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में बिलोंग करे, तो अपन जानते हैं कोस जीरो कहां देता है, कोस जीरो 90 डिग्री पर देता है, और कोस जीरो देता है अपने को 90 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, यानी पाई के विषम गुणज पर, कोस पाई बाई टू के विषम गुणज पर कोस अपने को जीरो देता है, लेकिन अपने को कौन सा जीरो देने वाला चाहिए एंगल, सिर्फ माइनस पाई और प्लस पाई के बीच का चाहिए, यानी क्या हो जाएगा सी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू भी माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आएगा, और माइनस का पाई बाई टू भी प्लस पाई से माइनस पाई के बीच में आएगा, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई, यानी ओपन इंटरवेल में बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा तब क्या लिखेंगे अपन, तब लिख देंगे एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ माइनस पाई बटा पाई माइनस माइनस पाई, इस प्रकार सी डैश सी विद्यमान होगा कब, कब जब सी इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस से पाई होगा, तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय
का स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर अपन ने एग्जांपल्स के माध्यम से लांगराज पर मध्यमान प्रमेय को लागू करना भी सीख लिया कि क्वेश्चनों पर अपन कैसे लागू करेंगे लांगराज मध्यमान प्रमेय को। इसी के साथ में एक्सरसाइज 7.6 के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस जो रोले प्रमेय और लांगराज प्रमेय पर आधारित होंगे।